कार्यकर्ताओं के केसव, कार्यकर्ताओं के हृदय में रहने वाले युवा दिलों की धड़कन, हजारों हजार कार्यकर्ताओं के प्रेरणा से आदरणीय केशव मोर्चा जी का जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करें, जोरदार ताली बजाइए आदरणीय केशव मोर्चा जी के लिए और सीधे मंच पे आदरणीय केशव जी। बोलिए भारत माता की। मेरा हेलीकॉप्टर ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने उतारा। गरीबों का नारा खाली प्लांट हमारा रहता था कि नहीं रहता था? गरीबों का हक बताइए, 2017 से पहले कितने घंटे बिजली मिलती थी आपको और अब कितना बिजली मिल रही है? पहले बिजली आती नहीं थी ये समाचार था, बिजली जाती नहीं है ये समाचार है। लेकिन मेरे मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, यह भी छापो अखिलेश जी की हवा हवाई मत छापो। 10 तारीख को 11 बजे इनका 12 बज जाने वाला है और भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत करके फिर उत्तर प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनाने वाली है। मैं आप सब लोगों को केवल यहाँ पर यही कहने के लिए आया हूँ, समय बहुत कम बचा है, कल शाम तक हम लोग सभाएं होंगी, कल के बाद यहाँ सभा तो होगी नहीं, तो जिम्मेदारी आपकी है। मैंने सुरेंद्र जी के लिए कहा कि ये प्रत्याशी है, इनके समर्थन में आया हूँ, लेकिन मैं आप सबसे कह रहा हूँ, मैं भी प्रत्याशी हूँ आपका। अगर आप में से विपक्ष में जो समाजवादी पार्टी से खड़े हैं उनको देख लेना, अपने केशव का चरित्र भी देख लेना, अगर दोनों के चरित्र में आपको अंतर नजर आता है तो इतनी कमर के फूल की बटन दबाना, इतनी कमर के फूल की बटन दबाना कि जातियों में बांट करके राजनीति चोर करने का और अपने स्वार्थ की सिद्धि करने वालों को ईद का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे आप मुझसे उम्र में बड़े हो श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपको जाना था भाजपा छोड़ करके, आप 5 साल पहले आए थे, 3 साल पहले चले जाते। भारतीय जनता पार्टी ने आपको सम्मान दिया, आप बसपा से आए थे, हमने मंत्री बनाया था, भाजपा में होते तो जीत लड़ते, जीतते फिर मंत्री बनते, अब तो आप विधायक ही नहीं बनोगे, बनेंगे क्या बता, बनेंगे क्या? और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हो, नौजवान दोस्त बैठे हो, मेरी माताओं बहनों आप सब बैठी हो, ये 2 दिन का समय जो है मैं आप सबसे कमल के फूल के लिए आशीर्वाद को मांगता हूं। 2 दिन लगाओगे, दोनों हाथ का गोद लगाओगे, ये सरकार आपकी है और आपने 5 साल में देखा होगा, मैं तो आप माधवी गंगा सिंह कुशवाहा जी एक विधायक के रूप में दूसरा काल में 2012 में मैं भी विधायक बना था और उस समय से मेरी भेंट है, कभी भी क्षेत्र के विकास के अलावा कोई चीज उन्होंने नहीं कहा। बताओ फाजिलनगर क्षेत्र की सड़कों का जितना जाल, जिन गरीबों के घर में बिजली नहीं पहुंची तो उन गरीबों के घर में बिजली, जिन गरीबों का पक्का मकान नहीं था प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास, जिन गरीबों के पास अपना शौचालय बनाने का पैसा नहीं तो गरीबों के घर के सामने भी शौचालय बनाने का काम, और जिनके घर में रसोई गैस लेने का कनेक्शन का पैसा नहीं था उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन, बताइए सब दिया गया ही नहीं दिया गया? और जितने बाकी उनके लिए बता रहा हूं, 2017 से 2022 ये तो टेलर था, और 10 मार्च 2022 के बाद असली पिक्चर चालू होगी। जो कुछ भी बकाया है, अभी बहुत सारे लोग बचे हैं जिनको गरीब कल्याण की सुविधाएं मिलना है और सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अब बेईमानी पे ताला लगा दिया, बेईमानी कोई नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिसने भी खाया उसको भी निकाल करके गरीबों और किसानों के चरणों में डाल दूंगा। तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, यहाँ पर अपने एक एक वोट को ध्यान रखना, जिनको किसी को चिंता सोनिया गांधी जी के बेटा बेटी की होगी वो हाथ के पंजे फोड़ देंगे, और जिन्हें श्री मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश यादव की चिंता होगी वो साइकिल पर वोट देंगे, और जिन्हें वोट बेच करके नोट इकट्ठा करना जिनको लगता है पसंद है, ऐसी बसपा की मायावती जी है उनको पसंद होंगे तो उनको वोट देंगे, लेकिन जिनको लगता हमारे बेटा बेटी हमारा परिवार हमें सबसे प्यारा है वो कमल के फूल पर वोट देंगे।
ये ध्यान रखना, यह चुनाव नहीं, यह आने वाली 10 पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का चुनाव है। एक कमल के फूल का बटन दबाओगे, सूरत बदल जाएगी, पूरे क्षेत्र की बदल जाएगी, पूरे कुशी नगर की बदल जाएगी, पूरे प्रदेश की बदल जाएगी। और एक साइकिल की बटन दबाने का मतलब 1000 गुंडे जो बिल में घुस गए थे फिर गुंडई के लिए सड़कों पर दिखाई देने लगे। हमें गुंडई चाहिए कि विकास चाहिए, हमें सुशासन चाहिए कि दंगा चाहिए, हमें भ्रष्टाचार मुक्त विकास और सुरक्षा की। मेरे बताइए, जब से कोरोना का संक्रमण आया, आपको सारी बातें हमारे पूर्व वक्ता मंच पर बैठे बताए होंगे, कोरोना के संकट में गरीब माँ बाप के बेटे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के